यदि किसी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके बाद से आसपास के लोगों का देखने का और व्यवहार का नजरिया बदल जाता है, जिससे संक्रमित को मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति की रिपोर्ट निगेटिव हो और उसे पॉजिटिव की रिपोर्ट थमा दी जाए तब क्या? इसे केवल लापरवाही कहेंगे। निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों से बेवजह फीस वसूलने का मामला अभी थमा ही नहीं था कि अब पैथोलॉजी लैब द्वारा हो रही लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद रोड पर स्थित मैग्नम लाइफ साइंस पैथोलॉजी लैब ने कोरोना की जांच कराने आए व्यक्ति को कोरोना नहीं होने के बावजूद भी पॉजिटिव रिपोर्ट देकर पल्ला झाड़ लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। व्यक्ति का नाम नितिन देवतड़े है, वह निजी कार्यालय में कार्यरत है। कार्यालय का एक व्यक्ति संक्रमित आने के बाद नितिन ने भी कोरोना जांच करवाना जरूरी समझा और चंद्रशेखर आजाद रोड पर स्थित मैग्नम लाइफ साइंसेज पैथोलॉजी लैब में जांच के लिए गया। नितिन सहित कार्यालय के अन्य दो व्यक्तियों ने भी जांच की। दोनों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन नितिन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। जब नितिन ने अपनी और अन्य दो रिपोर्ट जांची, जिनमें कोरोना जांच का पैरामीटर समान था, जिससे नितिन को शक हुआ और उसने समाधान के लिए लैब में फोन लगाया, तो उन्होंने अपनी गलती मानी और नितिन को दूसरी निगेटिव की रिपोर्ट दे दी। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना जांच में व्यक्ति की सीटी वैल्यू यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू यदि 35 से अधिक है तो वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है और उस व्यक्ति से किसी को भी संक्रमित होने का कोई खतरा नहीं। सिम्टोमेटिक हूँ, मुझे किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फॉर प्रिकॉशनरी मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि प्रिकॉशनरी आप करवा सकते हैं टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मन में जो शंका है वो निकल जाएगी, तो उसके चलते मैंने परसों सुबह मैग्नम में सैंपल दिया और उनकी रिपोर्ट मुझे कल शाम में मिली। तो कल शाम में जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई, हालांकि मुझे जो पैरामीटर्स थे वो उसमें जो काउंट्स थे वो मुझे थोड़े से डाउटफुल लगे। तो मैंने उनसे फिर से फ़ोन पे बात की कि मुझे जो आपने रिपोर्ट भेजा है उसमें पैरामीटर के चलते मुझे लग रहा है कि शायद ये रिपोर्ट में कुछ क्वेरी है, मिस्टेक है। तो उन्होंने, उनके जो टेक्नीशियन थे सरोजा करके टेक्नीशियन है, उनसे मेरी बात कराई। उन्होंने कहा, उनसे मैंने अपनी पैरामीटर बिना बताए उनसे किया कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे फाइन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर 35 के नीचे काउंट होता है तो डेट इज़ पॉजिटिव और 35 के ऊपर काउंट होता है तो डेट इज़ नेगेटिव। तो मैंने बोला कि मेरा 36.32 काउंट आया है, तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो उन्होंने कहा ये नेगेटिव। तो मैंने उनको रिपोर्ट शेयर किया, मैं कहा कि इसमें आपने पॉजिटिव मेंशन किया है। तो उन्होंने चेक किया और एक घंटे बाद मुझे नेगेटिव का फिर से रिपोर्ट नया भेजा। अपन समझा होगा ये लैब समोर आए, या लॅबनी एक विचित्र कारभार किंवा एक विचित्र काम केलेलं आहे की जो पेशंट निगेटिव्ह होता त्याला पॉझिटिव्ह सांगण्यात आलं आहे, त्यानंतर त्याची जी जेव्हा विचारपूस किंवा त्याची जेव्हा पडताळणी करण्यासाठी त्या संबंधित पेशंटनी जेव्हा यांना फोन केला तेव्हा त्यांनी त्यांच्याचं सांगण्यात आलं की बुवा आमच्याकडनं चुकी झाली, आम्ही रिपोर्ट बदलवून देतो। हे असे घोर असे विचित्र कारभार या प्रायव्हेट लॅबकडनं केला जात आहे, प्रशासनाचा कुठेही यांच्यावर काही कंट्रोल नाही आहे। आणि इतकंच नाही तर यांनी जी रिपोर्ट NMC कडे पाठवली त्या रिपोर्ट अनुसार NMC चे डॉक्टर त्या पेशंटच्या घरापर्यंत पोहोचतात। ही कुठली पद्धत प्रशासनाने चालवली आहे, कुठली पद्धत या प्रायव्हेट लॅबवाल्यांनी चालवली आहे? आणि जे कोरोनाचे जे संक्रमण किंवा ती जे कोरोना हा नाव आहे याच्यामुळे पहिले जनता एक त्रस्त झालेली आहे, लोकांमध्ये मानसिकता बदलत चाललेली आहे। जर एखादा निगेटिव जो पेशंट असेल त्याला जर असा पॉझिटिव्ह दाखवण्यात येईल तर भविष्यात काय होणार हे पाहणार आहे। जैसे की नियम है, यदि व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो मनपा प्रशासन के कर्मचारी उस व्यक्ति के घर को सील कर देते हैं और अब तो संक्रमित के घर के सामने मनपा द्वारा स्टिकर भी लगाया जाता है जिससे कोरोना संक्रमित के घर की पहचान हो सके। पहले बीमारी और फिर लोगों का संक्रमित को देखने का नकारात्मक नजरिया व्यक्ति को और बीमार कर देता है। इसके अलावा उसे मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है। एक पॉजिटिव रिपोर्ट व्यक्ति पर बहुत बुरा असर डालती है, ऐसे में लैब द्वारा हुई इस लापरवाही को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लैब द्वारा हुई इस लापरवाही से एक सवाल यह भी उठता है कि शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कहीं इसी तरह की लापरवाही का नतीजा तो नहीं?
इसके अलावा किसी व्यक्ति की संक्रमित रिपोर्ट के बाद मनपा कर्मचारी आगे की प्रक्रिया के लिए उसके घर जाते हैं। ऐसा ही नितिन देवतड़े के साथ हुआ। जब उसने अपनी निगेटिव रिपोर्ट बताई तब मनपा कर्मचारियों ने कहा उन्हें संक्रमितों की लिस्ट मिलती है जिसके अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। इससे एक बात और सामने आती है कि पैथोलॉजी लैब और मनपा के बीच आपसी तालमेल बिल्कुल भी नहीं है, जो आम नागरिकों के लिए परेशानी की वजह है। पहले कोरोना संक्रमित मृतक के शवों की अदला बदली, फिर मरीज के कोरोना पॉजिटिव नहीं होने पर भी उस पर कोरोना का इलाज कर अधिक फीस वसूलना, और अब लैब द्वारा हो रही इस तरह की लापरवाही जिसे भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन इन सब की ओर किस तरह के कदम उठाता है यह देखना बाकी है, या फिर लापरवाही का सिलसिला आगे भी बरकरार रहता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे और दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।